1991 की सफलता के बाद आफ्टर 21 इयर्स महेश भट्ट इज बैक अपने डायरेक्शन और 13 मिलियन डिसलाइक के साथ और देयर आर नो आंसर्स। अच्छा ठीक है सड़क 2 एक मूवी जो हमें बताती है कि टाइम कितना चेंज हो गया है। आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे ही रिश्ते बनाते हैं। तो डिलीट का बटन दबाने से खत्म। डिजिटल एज में सब हैंडल्स और ये सब बातें होती हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन खुद की स्क्रिप्ट 80s और 90s के जमाने की है। मैं जरा पुराने सोच वाला इंसान हूँ। एक ऐसी मूवी जो हैरी पॉटर की काफी सिमिलर है, जहाँ वहाँ था कासल होगार्ट्स, यहाँ भी एक कासल विद नो गार्ड्स। वहाँ किसी की नाक नहीं थी, यहाँ किसी का हाथ नहीं है। दिल्ली मत कटा। उसमें भी था एक सख्त लोंडा और यहाँ भी एक सख्त लोंडा। जहाँ वहाँ था हेडविग, यहाँ है जा कुंकर और दिखा अपना कमाल। बट स्क्रिप्ट मीट रवि किशोर जो कि है डिप्रेस, सुपर डिप्रेस, जिसे देखने के बाद डॉक्टर तुमसे खुद बोलेगा आपको हमारे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। जहाँ पहली सड़क में रवि किशोर एक आम टैक्सी ड्राइवर था, वहीं अब उसकी खुद की एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, पूजा ट्रैवल्स एंड टूर्स, सर्विस विद सिक्योरिटी। लेकिन रवि किशोर को ऊपर जाने की काफी जल्दी है। फिर हम चले वहाँ, तू ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, अब ऊपर ही खत्म, ऊपर जा जन्नत। इसलिए वो सुसाइड करने की ट्राई करता है, पर तभी मैंने कैलाश जाने की बुकिंग कराई है। यहाँ से मीट आर्या जो कि सभी फेक गुरुज और बाबा को एक्सपोज करना चाहती है, इसलिए वो उनके पोस्टर्स को जलाकर उनकी वीडियोस को इंस्टा पर अपलोड करती है, क्योंकि उसके पास है 1,96,000 फॉलोअर्स। और एक ऐसी बाबा ज्ञान प्रकाश की वजह से उसे अपनी मॉम को खोना पड़ा, और अब देखिए उससे लड़ने के लिए आर्या क्या करेगी। एक बार कैलाश पहुंच जाए फिर देखना भगवान का आशीर्वाद लेकर हम कैसे उनसे लड़ते हैं। क्या बात है। अरे रवि किशोर जी समझाओ इसे। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं आपको क्यों बताऊं? हां मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। लेकिन आर्या के खुद के पापा ज्ञान प्रकाश के भक्त हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, he's too innocent। और ज्ञान प्रकाश की काफी फैन फॉलोइंग है, इतनी कि लोग उसकी कॉलर ट्यून लगा कर रखते हैं। मैं प्रेम हूँ, प्रेम का सागर हूँ। मदरचोद। और ज्ञान प्रकाश की 2020 एडवाइस, गुरु जी कहते हैं जो काम करुणा से हो सकता है उसके लिए खून नहीं बहाना चाहिए। और ज्ञान प्रकाश के भक्त तुम्हें कहीं भी मिल सकते हैं। इमेजिन करो तुम आराम से बैठे हो, कॉफी पी रहे हो, तभी साइड से जय गुरु जी। और फिर स्टोरी में एंट्री होती है विशाल की, बिल्कुल हिंदी फिल्म की हीरो की तरह, जो इस सीक्वल में भी वही बना है जो 7 साल पहले के सीक्वल में बना था। एक सिंगर प्लस नशेड़ी। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये चरसी, ये अफीमची। कंट्रोल भाई कंट्रोल, तुम ठीक हो? या फिर से कहूंगा। देखिए कैसे विशाल और आर्या को एक ही दिन में प्यार हो जाता है। सच में इश्क कमाल है, पर पैंचों अपने साथ क्यों नहीं होता? कंट्रोल कंट्रोल। लेकिन कुछ भी हो विशाल आर्या से बहुत प्यार करता है। आर्या फिकर होती है तुम्हारी। The next day, निकल। विशाल, 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 विशाल। इश्क कमाल। और अब आर्या को पता चलता है कि इन सभी कांडों के पीछे ज्ञान प्रकाश के साथ उसके बाप का भी हाथ है। उन्हें कुछ नहीं पता, he's too innocent। जिसे देखकर सच में वेदलम के एक्टर की याद आ जाती है। और अब देखिए कैसे रवि किशोर आर्या की दुख भरी कहानी सुनकर उसका बॉडीगार्ड बन जाता है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी तो पता है ना, पूजा ट्रैवल्स एंड टूर्स, सर्विस विद सिक्योरिटी। और अब तैयार हो जाइए 2 घंटे एक ऐसी रोड ट्रिप, एक ऐसी जर्नी के लिए जिसमें सड़क सिर्फ सड़क, यार और कुछ नहीं है क्या सड़क पर? अच्छा बट स्टोरी का क्या? और अब देखिए कैसे रवि किशोर आर्या और विशाल को बेहोश करके खुद अकेला दुश्मनों से लड़ने जाएगा, क्योंकि भाई का तो पता है ना। रब चले वहाँ। और जहाँ एक तरफ रवि किशोर की गोली चली, दूसरी तरफ बाबा की गांड फटी। यार कोई चुप कराओ इसे, देशद्रोही। और फिर बारी आती आर्या के बाप की, जहाँ पर वो रवि किशोर से एक बड़ा अहम सवाल पूछता है। अच्छा एक बात बता, तूने ये सब क्या किया? पूजा ट्रैवल्स एंड टूर्स, सर्विस। और अब रवि किशोर सबको खत्म करने के बाद फाइनली वहीं पहुंच जाता है जहां वो मूवी के स्टार्टिंग से पहुंचना चाहता था, जन्नत। और हो जाता है दी एक मिनट, अरे इसका क्या हुआ? अच्छा, और इस पूरी मूवी का टर्निंग पॉइंट था पूजा टूर एंड ट्रैवल सर्विस विद सिक्योरिटी। अगर ये ना होता तो यू टर्न मार लेता रवि किशोर, सिंपल। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो, और ज्यादा ये अच्छी लग गई हो तो शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो वेलकम टू द गैंग।